अब ये वानर आपस में तय करने लगे 100 योजन यानी कि 1200 किलोमीटर का समुन्दर कौन पार करे, कौन पार करेगा। एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। जामवंत जी ने कहा, युवा हो तुम, अरे धिक्कार है तुम्हारी युवानी को, जब मैं तुम्हारी अवस्था का था, जब प्रभु ने बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया था, 2 दंड के भीतर मैंने उनकी 7 परिक्रमा लगाई थी, और तुम अपने आप को युवक कहते हो, एक समुद्र नहीं पार हो रहा तुमसे। वानरों को जब फटकार लगी तो अब वानर ने धीरे से एक बंदर ने खूब हिम्मत बांधी और बोला, जामवंत जी हम 40 चले जाएंगे। जामवंत जी ने कहा, चलो बोले तो, और कोई 40 से ऊपर? दूसरे बंदर ने कहा, अच्छा 40 जाएगा तो हमारे संघरिये तो 40 नापा था एक बार, तो हम 50 तो जाए। जामवंत जी हमारा 50 नोट करिए, 50 बहुत सुंदर। और कोई वानर आगे बढ़े, और कौन है जो इससे आगे जा सके? एक वानर ने कहा, जामवंत जी मैं 70 योजन जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा, वाह बेटा कमाल कर दिया, और कोई 70 के आगे वाला कोई जाएगा? एक ने कहा, जामवंत जी हमारा 90 नोट करो, मैं 90 योजन जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा, बस 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 पहुंच गए 10 योजन की बात और है, एक बंदर आओ छलांग मारो समुंदर पार। कौन जाएगा 90 के आगे? कौन जाएगा 90 के बाद? सगरों के सगरों छुपा गए, कोई चू चांद कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप। जामवंत जी ने कहा, 90 के आगे क्या कोई नहीं है जाने वाला? अंगद जी ने सोचा, जे छुटके छुटके जा रहे हो, हम मना कर दे। अंगद जी ने, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, मैं पार जाऊंगा। कहा भर था अंगद जी ने, जितने वानर थे अंगद जी को गोदी में उठा लिया, लगे बढ़िया उछालने। वाह अंगद जी काम कर दिया राम जी का। अंगद जी ने कहा, पहले हमको नीचे उतारो। अंगद जी नीचे उतरे। अब अंगद जी ने धीरे से कहा, पार तो चले जाएंगे, आने में थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको, आ नहीं पाऊंगा शायद, आने में शंका है, जिए संशय कछु फिरती बारा, वापस आने में थोड़ी शंका है। जामवंत जी ने कहा, तो तोहरे जाए से फायदा का है, एक आप जाओ, आप लौट के ही ना आओ, आपको ढूंढने कोई और जाए तो हम दूसर के को ही पहले ना भेज दे, जो अकेले सारा काम करके चला आए। अब अंगद जी भी बोल चुके, जामवंत जी ने कहा, जिससे काम होना नहीं है एक को छुपा नहीं रहे हैं, बोले जा रहे बोले जा रहे, और जिससे काम होना है वो कहूं दिखी नहीं रहा है, कहाँ है? पूछा हनुमान जी कहाँ है? बोला यही कहीं होंगे राम राम जपते। तब तक एक वृक्ष के नीचे शिला पर बैठ के हनुमान जी बढ़िया आंखें बंद किए, राम सिया राम सिया राम जय जय यहाँ बैठे। अरे कहा रीछ पति सुनो हनुमाना, अरे रीछ पति सुनो हनुमाना, अरे कहा चुप सादी रहो बलवाना, चुप सादी रहो बलवाना। हे हनुमान जी महाराज, आज सारे लोग जब अपने बल की बात कर रहे हैं, आप इस प्रकार मौन बैठे हुए हैं, आज मौन बैठने का समय नहीं है। मैं जो बातें कह रहा हूँ जरा गौर पूर्वक मेरी बातों को सुनिए। आप कौन है मैं आपको बताता हूँ। अरे पवन तन बल पवन समाना, पवन तन बल पवन समाना, अरे बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप पवन की संतान है, पवन के समान वेग को धारण करने की क्षमता है आप में, जरा अपने बल का स्मरण करिए और आज इस कार्य को पूर्ण करिए। लोग पूछते हैं कि कौन सा मंत्र जपें, ये हनुमान जी विराजे हैं, संसार का कोई भी कार्य हो एक महामंत्र का जाप करिए, जो हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने कहा है। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान जी महाराज, संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो आप करने
राम नाम का समय नहीं, राम काम करने का समय है। स्मरण करिए जरा अपने बल का। मैं बताता हूँ धरती पर आपका आना क्यों हुआ है। अरे राम का जला गीता माया बता की आवश्यकता नहीं है तो क्या करूं। हनुमान जी ने पहले वो गिनाया मैं कर क्या क्या सकता हूं, फिर पूछा मुझे इसमें से करना क्या क्या है। आज हमारी समस्या क्या है, जो जितना पाता है उतना करना चाहता है। पहले ये देखो बाबूजी को कोल्ड ड्रिंक चाहिए कि पानी चाहिए। बाबूजी पानी मांग रहे हैं तो स्प्राइट देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कैपेबिलिटी है, क्षमता है देने की, वो आप अपने पास रखो। पहले पूछो जरूरत क्या है। श्री हनुमान जी महाराज ये सब कर सकते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, फिर भी जामवंत जी से कह रहे मैं क्या करूं। यहाँ एक सलाह मिलती है, एक संकेत मिलता है कि जीवन में सदैव अपने से श्रेष्ठ जनों के मार्गदर्शन में कार्य किया जाए। अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लेनी चाहिए, आवश्यक है। श्रेष्ठ जनों की सलाह लेना कभी आपको घाटा नहीं देगा, लाभ ही देगा। दशरथ जी हमेशा सुमंत जी से परामर्श करते थे, हनुमान जी जामवंत जी से परामर्श ले रहे हैं। वो रावण था, उन्होंने माल्यवंत से कबहू सलाह नहीं लियो, खत्म, कभी नहीं सुनी। आपको बताऊं, मैंने कई बार चर्चा की है कथाओं में इस प्रसंग की। एक बार ना ट्रेन में चार पांच युवक बैठ के सफर कर रहे थे। एक युवक ने कहा कि हमने सुना है ट्रेन में चेन पुलिंग करने से बड़ा मजा आता है, एक बार हमें भी चेन खींचनी है। अब चेन खींचने में कौन सा सुख मिले तो विधाता जाने, हमने तो ना खींची आज। अब इसने कहा मुझे ना एक बार अनुभव करना है कि एक बार चेन खींचने से लगता कैसे, गड़िया रुकती कैसे। अच्छा, लेकिन अगर चेन पुलिंग करेंगे तो फिर तो जुर्माना भरना पड़ेगा। बोला ऐसा करते हैं, एक बार अनुभव तो लेना है, चलो सब मिल के चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, जो पेनाल्टी होगी वो दे देंगे। अब ये सारे लोगों ने मिल करके 1000 रुपया इकट्ठा कर लिया और एक ठोकी जेब में डाल दिया।
अब बगल में एक बाबा जी बैठे थे, बुजुर्ग एक बैठे थे। एक युवक ने कहा, सुनो चेन भले हम खींचेंगे पर हमको जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। क्यों नहीं भरना पड़ेगा? कहे कि खींचेंगे हम और नाम लगाएंगे किसका? बाबा जी का। बाबा जी अकेले, हम हैं पांच, पांच जो कहेंगे वो बात मानी जाएगी। अब बाबा जी सुन तो गए थे कि ये निकम्मे हमारे साथ करने क्या वाले हैं। मन ही मन कह रहे हैं, नालायक को हमने तुम्हारा का बिगाड़ा है। लेकिन अब बोले तो क्या बोले, ये पांच हैं वो अकेले। तब तक इन्होंने चेन खींच दी, आ गई रेलवे पुलिस। किसने खींची, किसने खींची? पांच के पांच एक सुर में बोल दिया, इसने खींची। अब बाबा जी तो करे तो क्या करे, वो तो परमात्मा ने उन्हें बुद्धि दी। बाबा जी ने कहा, हाँ हम ही ने खींची। सिपाहियों ने कहा, क्या बाबा इस उम्र में ऐसा काम करते, ये कोई हंसी मजाक की चीज है, जनता की सुविधा के लिए लगाई गई है। बाबा जी ने कहा, सुविधा के लिए है ना, जनता की सुविधा के लिए है ना, तो मालिक सुविधा की बहुत तेज आवश्यकता आ गई थी, जरूरत थी सुविधा की। क्या जरूरत थी? बोला, मालिक जिंदगी भर क्या बताए, अब आपको गरीबी में काटे तो है, महीना भर से पेट पे काटी मार मार के, हजार रुपया जोड़ा था निकम्मों ने छीन लिया। अब ये बेचारे हक्के बक्के, नो सर, नहीं सर। बाबा जी बोल पड़े, उजर के वाले की जेबुआ में देख लो, पहला पॉकेट ऊपर वाला चेकिंग हुई, और बोल भी दिया, चार ठो सौ का भी है, एक ठो पांच सौ हुआ है, कुल तो देखवे किए थे। अब जैसे चेकिंग हुई, पूरी की पूरी बात निकल के आई, अब बाबा जी बढ़िया विंडो सीट पे बैठे। अब इनको सिपाही ले जाने लगे, ये मुंह लटकाए जा रहे, तब तक बाबा जी ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा, कहा, ना लायक को धूप में थोड़ी ना सुखाई। अनुभव की बात है, पंगे लेने चले हैं। जामवंत जी से पूछा, क्या करूं? हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई, सी तही देखी कहो सुधी आई। बोलिए सियावर रामचंद्र की।